Are you ready? What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V15 Pro की. तो मेरे पास यहाँ पर confirmed specs आ चुकी हैं finally. और ये जो specs होने वाले हैं वो अभी तक आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी. You serious? तो फाइनली मैं बताने वाला हूँ इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन इस वीडियो के अंदर, और मैं 100% श्योर हूँ कि यही आपको स्पेक्स देखने के लिए मिलने वाली है इस फोन के अंदर. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी से. तो सभी यूट्यूबर बता रहे हैं और काफी सारी साइट भी बता रही है कि यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलेगी वो होगी 4500 mAh की बैटरी. बट यहाँ पर मेरे पास जो स्पेक्स आई हैं उसके हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर 3700 mAh की बैटरी. लास्ट टाइम हमें Vivo V11 Pro के अंदर दी गई थी 3500 mAh की बैटरी, तो स्टिल उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी गई है. और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डुअल इंजन मिलेगा फास्ट चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर 18 वोल्ट की ही चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी. तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा टाइप सी विद यूएसबी 2.0 के साथ. तो देखो मज़ा आ जाएगा इस चीज़ में. तो बट यहाँ पर थोड़ी बैटरी मुझे कम लगी देखने में, क्योंकि अभी की मार्केट के हिसाब से करीब करीब 4000 mAh की बैटरी तो देनी चाहिए थी. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं. अब बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की. तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, यानी कि आपको कोई नोच देखने के लिए नहीं मिलेगी डिस्प्ले पर. जैसे कि हमें Vivo Nex S के अंदर देखने के लिए मिला था पॉपअप कैमरा, तो यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा दिया जाएगा. अब इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले का जो साइज होने वाला है वो कंफर्म्ड है कि 6.39 इंच की डिस्प्ले होगी सुपर AMOLED, और साथ ही साथ फुल HD इसका रेजोल्यूशन होने वाला है विद 404 PPI. और यहाँ पर जो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाला है वो होगा 91.64% का, और एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है. तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा डिस्प्ले के बारे में सारी चीज. तो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर मजा आने वाला है. अब फ्रंट पर सुपर AMOLED है तो आपको पता ही चल चुका होगा Vivo अपनी शक्तियों को यूज करने वाला है यहाँ पर, यानी कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा. अब ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है लास्ट टाइम से ज्यादा अच्छा होने वाला है. लास्ट टाइम जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया था वो विद इन सेकंड तो ओपन हो रहा था, डे टू डे लाइफ में आपको पता नहीं चल रहा था. लेकिन जैसे कि टाइम गुजरता है तो उसके साथ टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होने लगती है. तो यहाँ पर आपको 5th generation फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा ऑन स्क्रीन, तो काफी जल्दी खुलने वाला है. तो यहाँ पर अब कैमरे की बात करें तो जैसे आपको Vivo Nex S के अंदर देखने के लिए मिला था पॉपअप कैमरा, तो यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलेगा 32 megapixel का विद फोकस एपर्चर f2.0. तो यहाँ पर देखो यार फोकस एपर्चर और 32 megapixel का कैमरा सेंसर, मैं बताता हूँ जो इस फोन को लेगा ना वो चमकने वाला बहुत अच्छी तरीके से. और Vivo में पहले ना डिटेल्स नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं उसका Vivo V11 Pro यूज कर रहा हूँ एंड पर्सनली मैं बताऊँ ना डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी है, और लो लाइटिंग फोटो भी काफी अच्छी आती है उससे. अब बात कर लेते हैं बैक की. तो यहाँ पर आपको बैक पर कोई भी रियर माउंट पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता, तो सीधी सी बात है यार फ्रंट पर दिया है तो बैक पर क्यों देंगे. बैक पर आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेडियंट कलर और वैसे ही डिजाइन देखने के लिए मिलेगा जैसे कि F9 Pro के अंदर देखने के लिए मिला था Oppo की तरफ से. और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 cameras दिए गए हैं बैक पर, जिसमें से कि एक कैमरा होने वाला है 48 megapixel विद फोकस अपर्चर f1.8. और ये जो 48 megapixel का कैमरा सेंसर है वो सैमसंग की तरफ से हो सकता है GM1, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा इससे वो 12 megapixel का ही होने वाला है स्टिल. अब आप में से काफी लोग सोचने वाले हैं कि ये एक फेक कैमरा होगा, तो नहीं यार फेक नहीं कह सकते इसे. यहाँ पर आपको लो लाइटिंग फोटो काफी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इसका पिक्सल साइज बड़ा होता है जिसकी वजह से फोटो ज्यादा क्लियर दिखती है और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो जाती है कैमरे की. दूसरा कैमरा यहाँ पर होगा 8 megapixel का विद सुपर वाइड एंगल, यानी कि 120 degree वाइड एंगल कैमरा सेंसर. और साथ ही साथ थर्ड कैमरा आपको देखने को मिलेगा 5 megapixel का डेप्थ सेंसिंग कैमरा होने वाला है, और जिसका फोकस अपर्चर आपको देखने के लिए मिलेगा f2.4 का. तो यार देखो अब बात करें यहाँ पर इसके SoC की, यानी कि इसके दिमाग की. अगर कोई इंसान काफी खूबसूरत और इस पर दिमाग ही नहीं है तो वो इंसान इंसान नहीं. आलिया भट्ट को नहीं कह रहा मैं, सॉरी. अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन 675 जो कि 11nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है, काफी अच्छा प्रोसेसर है. अब हम बात करें GPU की, तो GPU आपको देखने के लिए मिलेगा एंड्रीनो 612. तो यार देखो GPU भी अच्छा दिया गया है तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है. अब इसके वेरिएंट की बात करें तो 6+128GB देखने के लिए मिलेगा. अब बाकी जो चीजें हैं वो लॉन्च के बाद पता चलेंगी हमें, लेकिन ये चीजें जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल कंफर्म होने वाली. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस फोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे. वैसे काफी अच्छा फोन है, प्रोसेसर ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगा 5000 से अबव वाले फोन के अंदर मुझे लगता है स्नैपड्रैगन 710 देना चाहिए कम से कम. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं बता दूं यार इसे शेयर कर देना. लास्ट कुछ वीडियोस से रिस्पांस बेकार जा रहा है, एक तो YouTube नोटिफिकेशन भी नहीं दे रहा. अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो आपने अगर मुझे Facebook और Instagram पर फॉलो नहीं करा तो जाकर कर लेना. दैट्स इट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था. तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में. तो जब तक के लिए जो मन में आ गाइस वो करो. डू व्हाट यू आर फील, स्टे विद द चैंपियन बॉक्स गाइस. आर पे पहुंचा आर से जा बड़ा फिर झूठे प्यार से गया बड़ा फिर 21 साल की उम्र में दी मैंने रिस्पेक्ट बड़ा फिर सीखा दिन दुनिया के अच्छे बुरे को मैंने हल्के में और कल के हैं वो बंदे कछल के उनके बिंदल के हैं ईमान के इज्जत के बर्तन दोनों ही खाली है जाली है सर पे टोपी गांधी की पूरे मवाली है ताली है भाषण में कहते हैं महिलाओं को सम्मान दो और घर में आके कहते हैं साली.